तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ड्राइव क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। हमारे साथ ऐसे क्वांटिटीज भी आ रही थी जो ना ड्राइव थी ना बेस थी। ऐसे क्वांटिटीज को हम ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज कहते हैं। इनके यूनिट्स होते हैं, इसके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम उन यूनिट्स को कहते हैं जो ना बेस यूनिट हो ना ड्राइव यूनिट्स हो। ऐसे यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। दोज यूनिट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बेस और ड्राइव यूनिट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी ऐसे यूनिट जिन्हें हम ना बेस यूनिट्स में शामिल कर सकते हैं ना ड्राइव यूनिट्स में शामिल कर सकते हैं, इसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। एक को हम रेडियन कहते हैं और दूसरे को स्टी रेडियन कहते हैं। रेडियन टू डायमेंशन एंगल है और स्टी रेडियन हमारे पास थ्री डायमेंशन एंगल है। सबसे पहले हम रेडियन को समझने की कोशिश करते हैं और इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेडियन को बयान करने के लिए आपको एक प्लेन चीज चाहिए। तो प्लेन चीज का एग्जाम्पल है एक सर्कल। हम एक सर्कल लेते हैं, क्योंकि सर्कल का थिकनेस नहीं होता तो सर्कल टू डायमेंशन है। बिल्कुल सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रा करते हैं सर्कमफेरेंस तक, जिसको हम रेडियस कहते हैं। एक सर्कल के सारे रेडियस बराबर होते हैं, तो यहाँ पे एक और रेडियस हम ड्रा करते हैं आर। जब ये दो रेडियस इस सर्कमफेरेंस को काटेगा, इसके इस पार्ट को हम आर कहते हैं। अगर हमारे पास इस आर का लेंथ इस रेडियस के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे इन दो रेडियाई के दरमियान एक एंगल बनेगा जिसे हम रेडियन कहते हैं। यानी दो रेडियस के दरमियान आप फासला इतना रखते हैं कि इस आर का लेंथ इसकी रेडियस के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे जो है इसे हम रेडियन कहते हैं। इसका फार्मूला है आर इज इक्वल टू आर थीटा। तो रेडियन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्क डिवाइडेड बाय आर। इसका लेंथ सपोज अगर 3 सेंटीमीटर हो, अगर ये बराबर आता है इसके रेडियस के, जो रेडियस भी कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू आर्क, हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा जिसे हम कहते हैं रेडियन। तो यहाँ पे एंगल होगा 1 रेडियन। इसका डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, रेडियन इज दैट एंगल व्हेन द लेंथ ऑफ एन आर्क बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, द एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन। अगर इस आर्क का लेंथ इस रेडियस के बराबर आ जाए और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम रेडियन कहते हैं। इसके बाद हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, जिसे हम स्टी रेडियन कहते हैं। स्टी मीन सॉलिड और थ्री डायमेंशन एंड रेडियन मीन एंगल। सॉलिड एंगल या थ्री डायमेंशनल एंगल को हम स्टी रेडियन कहते हैं। दरअसल स्टी रेडियन एक स्फीयर में बना होता है, ये थ्री डायमेंशन है, इसे इसके लिए हमें एक स्फीयर की जरूरत होगी। सपोज हमारे पास फुटबॉल है वो थ्री डायमेंशन है, अगर हम एक टेनिस बॉल को लेते हैं वो भी क्या है, एक थ्री डायमेंशन है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक मुख्तलिफ रेडियाई होती हैं, बहुत सारे रेडियाई होते हैं, क्योंकि इनका लेंथ डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे एक सरफेस एरिया बनेगा। अगर ये सरफेस एरिया इन दो रेडियाई के बराबर आ जाए और यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम स्टी रेडियन कहते हैं। यानी स्टी रेडियन बिल्कुल एक स्फीयर के सेंटर में बना होता है। अगर ये सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया इन स्क्वेयर ऑफ रेडियाई के बराबर आ जाए, तो इस एंगल जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इस एंगल को हम स्टी रेडियन कहते हैं। डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ये बिल्कुल एक स्फीयर, ये हमारे पास एक स्फीयर है, बिल्कुल इसके सेंटर में बना होता है। व्हेन द सरफेस एरिया, अगर ये सरफेस एरिया बिकम इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ रेडियस, इस दो रेडियस के बराबर आ जाए,
तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं द एंगल इज सेड टू बी वन स्टेरेडियन। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर व्हेन द सरफेस एरिया बिकम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस द एंगल इज सेड टू बी वन स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का फार्मूला हम कैसे करेंगे, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये थे हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स और उसके टाइप रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो हमारे साथ टू डायमेंशन है, स्टेरेडियन हमारे पास थ्री डायमेंशन है। इसके मुताबिक अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर